तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मैं करता हूँ अच्छा होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक नई मशीन जुड़ने जा रही है, जो कि है TVS कंपनी की अपाची 164V RTR। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये आप बाइक जो हमारी बाइक है ये अपाची की, ये रेसिंग की उसमें जानी जाती है। तो उसका लुक देख सकते हैं आप। इसमें दो लुक प्रोवाइड होते हैं, एक तो जो पहले सिंपल आता था, फिर उसको थोड़ा सा मेजर चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद ये न्यू सेगमेंट का लुक निकाला गया। इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, ये डुअल में आपको LED लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, ये साइड का लुक देख सकते हैं, काफ़ी मैसिव है। और इसका इंजन देख सकते हैं आप, जो कि 160cc का है, जो कि ये 159.7cc के समथिंग इसका सीसी इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें डुअल होल के अंदर आपको ये सिंगल ये इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और सीट का कुछ इसका पोस्चर ये है। और इसका फ्यूल टैंक देख सकते हैं आप, काफ़ी डिफरेंट है। जो नॉर्मल टैंक्स होते हैं उसमें ये जो हमारा कैप होता है ये सेंटर में होता है, बट इसके अंदर देख सकते हैं आप ये राइट साइड में शिफ्ट करा गया है। और इसका इग्निशन कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर डिस्प्ले दिख रही है MID, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इनबिल्ट है। और ये ब्लैक कलर का यहाँ पर इसका हैंडल है, जो ग्रैब हैंडल है। और इसका जो नॉर्मल हैंडल होते हैं वो हमारे कुछ साइज़ यहाँ तक होता है। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ाया गया है यहाँ तक, आप देख सकते हैं। और ये साइड लुक उसका कुछ इस टाइप का है। इसके अंदर कलर ऑप्शन आप मिल जाते हैं, मेरे को अभी प्रॉपर पता नहीं है, मैं आपको यहाँ पर इसमें कॉर्नर में मेंशन कर दूँ इसके कलर ऑप्शन कितने हैं। और इसका ये हमारी डुअल ABS सिस्टम के साथ मिलती है, देखो एक फ्रंट ABS डिस्क के साथ और एक ये बैक, दोनों में फ्रंट और दोनों में हमारे डिस्क प्रोवाइड मिलते हैं। और जो कि हमारे ट्यूबलेस टायर के साथ अवेलेबल है। इसका टायर की प्रोफाइल की बात कर ली जाती है, तो उसका टायर प्रोफाइल है, इसके टायर जो हमारे TVS टायर्स के हमारे टायर देखने को मिले 17 इंच के टायर हैं। और ये इसे देखते हैं, होंडा के अंदर ये जो हमारे ब्रेक पैड्स हैं निसिन कंपनी के आते हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक के अंदर यूज़ कर जाती है, लाइक रेसिंग बाइक्स होगी। और इसमें फ्रंट में देख सकते हैं ना, ये जो जाली दिख रही है ये हमारा ABS का वर्क करती है। यानी कि अगर सपोज करो आपने अगर गलती से फ्रंट ब्रेक प्रेस कर दी, तो उसके बैक ब्रेक ऑटोमेटिक प्रेस होंगी। नॉर्मल बाइक्स का जो हमारा ये होता है ये फुटरेस्ट, ये नॉर्मल हमारा यहाँ पर होता है। ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसका थोड़ा पोस्चर थोड़ा हम आगे डाउन की तरफ शिफ्ट करके बैठते हैं, थोड़ा बैक एरिया में दिया गया। इसका लीवर कुछ इस टाइप का है। और ये देखो गियर वाला लीवर, ओनली सिंगल लीवर है। ये हमारे जो इंजन है इसका 160cc का, ये हमारा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि 1 gear डाउन है, बाकी सारे अप है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जो कि 159.7cc का इंजन है, जो कि 7250 RPM जनरेट करता है और 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका जनरेट करता है। इसके इंजन की पावर की बात करें तो काफ़ी ही मैसिव है, एक ह्यूज पावर निकल के आती है जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना। और वैसे ये RTR देख रहे हो ना, रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स, ये रेसिंग के पर्पज़ में जानी जाती है, जो कि इसमें एक 4V भी आती है, एक 6V भी आती है। 2020 मॉडल है, और जो 2023 मॉडल आ रहा है उसके अंदर यहाँ पर 6V भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी टैंक की, तो फ्यूल कैपेसिटी टैंक इसका नियर अबाउट 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी टैंक है। और ये एजिस देख सकते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि होंडा शिवी शाइन की थी, उसमें ये एजिस सेपरेट थे। इसके अंदर ये क्या है, ये पूरे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से और ये एंड तक यहाँ तक जाते हैं। यानी कि कहने की बात है, जो इसका फ्यूल है ना टैंक, वो हमारा ये MBD से स्टार्ट होता है, वाइट वाले लेयर है ना, ये हमारा टैंक है। और ये देख सकते हैं सारा ये कार्बन फाइबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके जो अंदर है ना वो हमारा फ्यूल टैंक है, ये हमारे जो ये है ना एरोडायनेमिक्स को, हमारी एयर का ड्रैग को कम करते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ TVS का यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि 3D एनिमेशन के अंदर है। अपाची की यहाँ पर आपको आर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके इग्निशन की, इस टाइप की कुछ इसकी की मिलती है, जैसे TVS है, TVS ब्रांडिंग। और इसका इग्निशन ऑन करते हैं, अरे बाबा ये देखो भाई साहब, ये फ्रंट में आपने देखा होगा यहाँ RPM था, यहाँ पर आपके जो हमारा ट्रिप्स होगी ओडोमीटर शो करेगा, ये हमारा टाइम है, ये हमारे फ्यूल दिखा रहा है। और यहाँ किलोमीटर्स हो गया, स्टैंड हो गया, इग्निशन हो गया, ABS हो गया, इंजन लाइट होगी, और ये आपका इंडिकेटर्स वगैरह हो गया। यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, और ये ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, और ये फ्यूल टैंक हो गया, की हो गया, यानी कि एवरी थिंग इज़ इन बिल्ट इन दिस सिस्टम इग्निशन के अंदर। नॉर्मल बाइक्स के अंदर आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक एरो कप्स का होता है, क्या बोलते हैं फेंडर होता है, वो फेंडर इसका रिमूव कर दिया गया। और लाइट देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखो ये जो फ्रंट लाइट है ना भाई साहब, इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है, अगर स्टार्ट होती है ना एक, तो यहाँ से लाइट ये और ये
इसका थ्रो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और डे टाइम रेड लाइट इसके अंदर बिल्ड करती है। ओरो के अंदर क्या होता है, किसी के नीचे होती है, किसी की अबव होती है, इसकी हमारी सेंटर के अंदर फिट कर दी गई है। बैक प्रोफाइल इसकी कुछ ही है, इसकी जो पहले टेल है, जो प्रीवियस सेगमेंट था ना, प्रीवियस सेगमेंट में क्या था, अपने अपाची की लाइट, उसकी पल्सर की लाइट देखी होगी, नहीं वी शेप में आती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो अब इसका चेंज कर दी गई है, देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तो आपको कैसी लगी। और बैक प्रोफाइल इसकी ये है, साइड प्रोफाइल इसकी ये है, और फ्रंट प्रोफाइल इसकी ये है। अब आपको इसकी इंजन की साउंड हम चेक करके दिखाते हैं। और एक बार इंजन की साउंड चेक करने से पहले हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हमारा हॉर्न का प्रोविज़न है, ये हमारा इंडिकेटर्स हो गए, ये हमारे डीपर और मिनी लाइट होगी, ये पासिंग का बटन्स हो गया, और ये मोड, इसके अंदर हमारे मोड भी आते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी आपको मैं पहले इसका थ्रॉटल, और ये देख रहे हो ये रेड कलर का बटन, इससे हम जो हमारे स्विचिंग पावर है इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सेल्फ है, ये हमारी लाइट ऑन या ऑफ है, और ये हम मोड अभी दिखाता हूँ, पहले उसका इंजन साउंड चेक कर लो। तो गाइज आपने इसकी साउंड भी चेक करा तो काफ़ी ही लाउड है। जैसे एग्जांपल एक बार मैं रिपीट थ्रॉटल करके दिखाता हूँ। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे तो रेसिंग बाइक का तो भाई साहब इसी टाइप का होता है कुछ। ये हमारा जो थ्रॉटल है ना, यू कैन, काफ़ी साउंड मैसिव है इसका। और देख सकते हैं नॉर्मल बाइक्स होते हैं हमारी फोर शोकर के अंदर आती है, बट ये हमारा इसके अंदर एक बड़ा शोकर यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया। देखो ये दिख रहा है ना रेड कलर का, ये यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसके मोड्स दिखा रहा था ना, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा स्पोर्ट्स, दिख रहा है स्पोर्ट्स, और ये मैं चेंज करता हूँ, ये रेन मोड आ गया। जैसे रेन बारिश वगैरह हो रही है इसमें स्लिपरी सरफेस ना हो, इंजन के अंदर उतनी पावर जाए। दूसरा आ गया हमारा अर्बन, जो हमारी सिटी के अंदर होता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में तो भाई साहब इसकी पावर काफ़ी भयंकर हो जाती है। तो ये हमारे इसके अंदर मोड्स भी मिल जाते हैं, जिससे बड़ी 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 बाइक्स होती हैं, जैसे जो 150 क्रॉस कर गई ना बाइक, उसके अंदर मोड्स भी गिवन है, सारी चीज सब कुछ गिवन होता है इनके अंदर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो अब इसका एक बार आपको राइडिंग पोस्चर भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसका थोड़ा थ्रॉटल भी रिस्पॉन्स करके दिखाया आपको, थ्रॉटल कितना था, और इसकी ब्रेकिंग देख सकते हैं आप, ये यहाँ से लेके और इतने एरिया में इसकी ब्रेक कहना बिल्कुल यहाँ पर जैम हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ABS प्लस ही हमारे डिस्क का। और अब इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं, तो माइलेज इसका ऑन रोड पे है 40 के अराउंड इसका माइलेज। अगर लोकल की बात करी जाए तो लोकल में ऑलमोस्ट 25 का इसका माइलेज है। तो भाई साहब अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो उसका तो माइलेज है वो कम से कम ही होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर हम माइलेज नहीं देख सकते। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको उससे जैसे 100 CC के सेगमेंट में जाना पड़ेगा, बट ये है 160 बाइक। ये होती है एक पैशन की बाइक, एक टूरिंग पर्पस बाइक कह सकते हैं इसको, रेसिंग की बाइक, तो इनमें हम माइलेज मेंशन नहीं करते। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1,51,000 रुपीज़ इस टाइम करंट टाइम में इसका एक शोरूम प्राइस है, जो कि फुल ऑन रोड के साथ आपको प्रोवाइड होता है। ये बाइक आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फ्रेंड्स आपको नई नई बाइक इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट माई कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।